हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग। और स्वागत करते हैं आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन पहाड़ी वादियों से। आज का ब्लॉग जो है ना, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की जो मेन रोड है वहाँ से बना रहा हूँ। आज मैं ऋषिकेश में हूँ, कल शाम आया था, सुबह बारिश लग गई तो इसलिए फिर गया नहीं वापसी। तो आज मैंने सोचा चलो कमरे में पड़े पड़े क्या करेंगे भाई, चलते हैं राम झूले की तरफ। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको यहाँ का दृश्य। यहाँ पर है टैक्सी स्टैंड, यहाँ से नीलकंठ के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। मेन रोड पर है, लक्ष्मण झूला वाली रोड पर है ये टैक्सी का स्टैंड। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। तो यहाँ पर ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं और थोड़ा सा आगे जाके वो राम झूला के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ रहती हैं। राम झूला जाने में यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो सीधा आगे जाके और एक यहाँ से जो शॉर्टकट है सीढ़ियों से, ये वाला रास्ता है। तो यहाँ से भी राम झूले जा सकते हैं, ये सीढ़ी वाला रास्ता है यहाँ से। और ये बहुत शॉर्ट पड़ेगा आपको ना, दो मिनट में आप ये आ गया हूँ मैं राम झूला में। राम झूला में आज काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, तो देखिए काफी भीड़ भाड़ है। विदेशी लोग भी काफी ज्यादा घूम रहे हैं, देखिए कपड़े देख रहे हैं, कोई दुकानों में माला वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वगैरह की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। और खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए कि राफ्टिंग शुरू हो गई है, और राफ्टिंग के शौकीन जो लोग हैं अब वो राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी में अब राफ्ट चलनी शुरू हो गई है। ये देखिए पानी वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो इसके लिए भी पहले एक दिन पूरा टेस्टिंग होती है गंगा जी के अंदर, पर्यटन विभाग और NDRF मिल के इस पर टेस्टिंग करता है, और उसके बाद परमिशन दी जाती है राफ्टिंग करने की। तो अब पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है और राफ्टिंग की अनुमति दे दी गई है, तो अब लोग राफ्टिंग करना शुरू हो गए हैं। ये भाई खाली राफ्ट लेकर नीचे जा रहा है, क्योंकि इसने जो अपने राफ्टिंग की जो इनकी सवारियाँ हैं वो ऊपर उतार दी, और यहाँ से अभी खाली नीचे जा रहा है अपने जहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी होंगी, और वो गाड़ी में रख के फिर इसको वापसी ले जाएगा। सामने परमार्थ निकेतन है, और वो जो जंगल में दिखाई दे रहा है सामने ऊपर, वो है भूतनाथ महादेव मंदिर। वहीं से नीलकंठ महादेव के लिए पैदल रास्ता भी जाता है, और इसी की नीचे की साइड में है जानकी सेतु पुल। आज का नज़ारा बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान में बादल लगे हुए हैं और धूप नहीं है, क्योंकि सुबह काफ़ी बारिश हुई है, रात भी काफ़ी बारिश हुई है, इसीलिए गंगा जी में आज पानी भी काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है। और यहाँ पर है राफ्टिंग का लास्ट स्टॉप। तो अभी कुछ टाइम पहले तक देखिए यहाँ पर जो है कोई भी स्टॉल वगैरह नहीं लगे हुए थे, मैगी के, चाय के। तो जैसे ही राफ्टिंग शुरू हुई सब लोगों ने इन्होंने अपने अपने मैगी पॉइंट, चाय स्टॉल यहाँ पर लगा दिए हैं, क्योंकि यहीं पर राफ्टिंग का एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर काफ़ी लोग रुकते हैं, तो कोई चाय पीता है, कोई मैगी खाता है, ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं एंडिंग पॉइंट राफ्टिंग का, और सब ने अपनी राफ्टें यहाँ पर खड़ी कर रखी हैं। अब ये उठा के इनको गाड़ी के पास तक ले जाएंगे। देखिए कितनी सारी राफ्ट यहाँ पर खड़ी हैं, और ये भाई उठा कर ले जा रहे हैं, इसको गाड़ी में रखेंगे अब। तो अभी सब अपनी गाड़ियों के इंतजार में है, राफ्टिंग यहाँ पर रखी हुई है, जैसे ही गाड़ी नीचे आएगी राफ्ट उठा के ले जाएगी, जैसे ही लेके जा रहे हैं। तो अभी पानी काफी है, लास्ट किनारे तक आ रखा है भाई पानी। नमस्कार, सब यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, वो राफ्ट यहाँ पर रुकी नहीं,
उसका रस्सा खींच रहे हैं अब ऊपर को, लोगों को उतार रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि नहीं तो वो फिर सीधे चली जाएगी नीचे। और वहाँ नीचे काफ़ी खतरा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है नीचे अभी। तो गंगा जी अभी ऐसे लहरें ले रही है, इन लहरों में से निकलना फिर बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। यहाँ पर रहती हैं गाड़ियाँ खड़ी, और नीचे नदी से राफ्ट को उठा के गाड़ियों में लाद के फिर वापसी जहाँ जहाँ इनके ऑफिस है वहाँ ले जाया जाता है। एक और राफ्टिंग आ रही है ऊपर से, ये तो शायद सीधा नीचे जाएगा, ये तो यहाँ पे नहीं रुका है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लोहे का ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करके आप सीधे जानकी सेतु पुल जा सकते हैं। राम झूले से आप गंगा के किनारे किनारे जानकी सेतु पुल से होते हुए त्रिवेणी घाट तक पहुँच सकते हैं। आस्थापत इतना लंबा चौड़ा यहाँ बना हुआ है गंगा के किनारे किनारे, राम झूले से लेके आप त्रिवेणी घाट तक आराम से जा सकते हैं। जो है काफ़ी भीड़ भाड़ है, जो लोग राफ्टिंग करके आ रहे हैं ना ठंडे पानी से, उनको लग रही है ठंड, तो यहाँ पे आके कोई तो गर्मा गर्म मैगी खा रहा है, कोई गर्मा गर्म चाय पी रहा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ है। और ये राफ्टिंग का एंडिंग पॉइंट भी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है देखिए सभी लोग कैसे खा रहे हैं आराम से। तो देखिए इस रेत का आनंद हर कोई यहाँ पर आकर लेता है, और नंदी महाराज भी देखिए क्या खेल रहे हैं रेत में। ये देखिए बार बार अपने सिंगों से जो है रेत का टीला तोड़ रहे हैं और ये उड़ा रहे हैं, ये देखो मस्त होके, ये देखो एक साथ कितनी सारी बोटें आ रही हैं ऊपर से। तो राफ्टिंग का खूब आनंद ले रहे हैं लोग यहाँ पर आकर के। तो अगर सच पूछिए तो ऋषिकेश में जो भीड़ का कारण है ना यही राफ्टिंग है, और यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो सबसे ज़्यादा भीड़ इस राफ्टिंग के चक्कर में यहाँ पर रहती है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए ही आते हैं, इसीलिए यहाँ 24 घंटे भाई बाज़ारों में भीड़ भीड़ रहती है। मेरी बात सुन, क्या पैसे 30 रुपए देने वाला। ये है रामफल, गूगल पे है ना, इतने ये। तो इस चीज का मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये टूरिस्ट पैलेस एरिया है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। अधिकतर दुकानों में यही चीज़ें मिलती हैं, बाहर के लोग इन चीज़ों की शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पर। तो चलिए भाई कमरे में पड़े पड़े हम भी बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर के लिए हम भी कहीं घूमने के लिए निकल लें। तो यहाँ पर तो घूमने के लिए बहुत जगह हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं तो कमरे से निकला और पैदल चलते चलते राम झूले पहुँच गया, राम झूले से घूमते हुए मैं आ गया नीचे की तरफ जानकी सेतु पुल की तरफ। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो मैं तो खैर घूमता ही रहता हूँ, तो हमें तो क्या घूमना है बार बार, इसीलिए बस मुझे खाली जो है कमरे के अंदर जो है एकदम रहा नहीं जाता है कि लोग दिन भर सो जाते हैं, मैं दिन में सोया भी नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं घूमने के लिए आ गया। और बहुत सुंदर सा दृश्य हो रखा है आज का, धूप नहीं है बिल्कुल नहीं, ठंडा ठंडा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा गंगा के किनारे। और मेरे पीछे हैं परमार्थ निकेतन, गीता भवन, स्वर्गाश्रम, ये सब यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि राफ्टिंग हो गई है शुरू और आप ऋषिकेश में आके राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और जय जय गंगे, हर हर गंगे।